लाला का लालच। गिरीश बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसे पालने पोसने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गिरीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अकेला एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में आम का एक घना पेड़ था। बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर उस पेड़ की छांव में लेट जाता हूँ। गिरीश पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे बहुत भूख लगी थी लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पेड़ पे लगे आमों से ही आज भूख मिटा लेता हूँ। बड़ी भूख लगी है, सोने से पहले कुछ आम ही खा लेता हूँ। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया उसे किसी की आवाज आई। रुको, कृपया पत्थर मत मारो। गिरीश ने आसपास देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये चिड़िया ही बोल रही है। लेकिन तभी चिड़िया फिर से बोली, अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है इसलिए आम खाना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ और इंतजाम कर लूंगा। गिरीश की दयालुता देखकर वो बोली, तुम कितने दयालु हो, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। चिड़िया उड़ी और कहीं चली गई। कुछ ही देर में लौटी। उसके मुंह में एक चमकता मोती था। उसने वो मोती गिरीश को दे दिया और बोली, इस मोती को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर उन पैसों से तुम्हें जो मन करे तुम खा लेना। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, इससे मेरा आज के खाने का काम तो हो ही जाएगा। आज ही नहीं, मैं तुम्हें रोज एक मोती दे दिया करूँगी। बदले में तुम आने जाने वालों से मेरे घोंसले की रक्षा कर देना। चिड़िया का प्रस्ताव सुन के गिरीश खुशी खुशी राजी हो गया। गांव में जाकर वो मोती उसने एक लाला को दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने भरपेट खाना खाया। अब गिरीश रोज उस पेड़ के नीचे जाता और आने जाने वाले लोगों को पत्थर मारने से मना करता और घोंसले की रखवाली करता। चिड़िया उसे रोज एक मोती दे देती। गिरीश रोज मोती लाला को देके खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लेता। वो मोती नायाब थे। एक दिन लाला ने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई खजाना है, मुझे छुपके इसका पीछा करना चाहिए। लाला ने गिरीश का पीछा किया। उसने सब देख लिया। तो ये बात है, खजाना इस चिड़िया के पास है, कल मैं इस चिड़िया का पीछा करूंगा। अगले दिन लाला ने चिड़िया का पीछा किया। लाला चिड़िया के पीछे पीछे भागता है। उसने देखा कि चिड़िया दूसरे एक पेड़ के कोतर में जाती है और वहाँ से मोती लेके आती है। ओह, तो यहाँ है खजाना। चिड़िया के जाने के बाद लाला उसी पेड़ के पास गया और उसने मोती निकालने के लिए कोतर में हाथ डाला। लेकिन ये क्या, कुछ ही पलों में लाला चिल्लाते हुए भागा। अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, कोई बचाओ रे। दरअसल उस कोतर में चिड़िया का एक मित्र नागराज रहता था। वो ही उसे रोज मोती लाके दिया करता था। वहाँ कोई खजाना नहीं था। लाला को चिल्लाते देख गिरीश दौड़ के पहुँचा और उसने तुरंत एक जड़ी बूटी वाले पेड़ की पत्तियाँ तोड़ के लाला के हाथ पे मसल दी। लाला जी, ये लगा लीजिए, इससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जहर सूख गया और लाला बच गया। लाला ने गिरीश को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा पीछा किया और मुसीबत में फंस गया। कोई बात नहीं लाला जी,
आपकी जान बच गई, मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। तुम कितने अच्छे हो, आज से तुम मेरे ही घर चलो और मेरे ही साथ रहो। उसके बाद लाला ने गिरीश को अपने ही यहाँ काम पे रख लिया और उसकी लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गिरीश के दया भाव ने उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी और वहीं लाला को भी लालच नहीं करने का सबक मिल गया।